हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड आज हम बात करेंगे हम कोई भी इमेज पिंटरेस्ट के थ्रू कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअली आप लोग सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी इमेज पिंटरेस्ट से डाउनलोड करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो इसी बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस बेल आइकन में भी क्लिक करें ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो हम बात करेंगे पहले प्रॉब्लम के बारे में कि जब भी हम कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्या आती है। तो उसके लिए चलते हैं हम गूगल की तरफ। ठीक है, यहाँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ क्यूट बेबी। ठीक है, मोर देन जो रिज़ल्ट होते हैं वो पिंटरेस्ट में ही ओपन होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये जो बेबी का इमेज है इसमें हम कोई भी इमेज देख लेते हैं जो पिंटरेस्ट में ओपन हो रही हो, जो हमें अच्छी लगती है। ठीक है, ये वाला जो इमेज है उस पर हमने क्लिक किया और आप देखेंगे ये अगर आप इस पर क्लिक करते हैं इसके भी रेजोल्यूशन देखेंगे आप, इसकी 550x687 इमेज की रेजोल्यूशन है, पिक्सल है, तो ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है। और हम जो भी इस पर ओपन करेंगे तो उसके जो इसका जो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पिंटरेस्ट का जो रिज़ल्ट है बहुत बहुत अमेजिंग है और इसमें इमेज का जो कलेक्शन है बहुत अच्छा है। और ये आप ये भी जानते हैं कि इमेज का मतलब रोल हमारे ग्राफिक डिज़ाइन में कितना बहुमूल्य है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको बहुत अच्छे सारे इमेजेस मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ तो आप अगर इसको ये फुल आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इतनी ही दिखेगी। फिर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेव एज़ का ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसमें अकाउंट बना लेते हैं तब भी हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है। तो फ्रेंड उसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है एक एक्सटेंशन जिसका नाम है इमेज आई। ठीक है, ये मैंने आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ डाउनलोड किया हुआ है इमेज आई। अब आप जैसे ही इसको इस पर क्लिक करोगे, यहाँ एक एक्सटेंशन है जैसे आप देख सकते हो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ इमेज आई नाम से ये एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कि देखिए फोटोशॉप में एक्शन, कोरल ड्रॉ में मैक्रो, थर्ड पार्टी यूटिलिटी जिसकी सहायता से हम अपने काम को और आसान कर सकें, ऐसे क्रोम में बैप में जो टूल्स अब मतलब यूज़ होते हैं उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। तो इसको मैं पहले इसका यूज़ दिखाता हूँ, उस पर मैंने क्लिक किया और इस पेज में मैंने कि इसका इतना बड़ा रोल है इस एक्सटेंशन का, इस पेज में जितने भी इमेजेस हैं यानी कि 128 इमेजेस थे इस पेज में, इसने सभी को आपको लिस्ट बना के दिखा दिया और बहुत फास्ट वर्क करता और आपको हाई रेजोल्यूशन में इसने यहाँ शो कर दिया कि इस इमेज की रेजोल्यूशन मैक्सिमम इतनी है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, उसको अगर आप देखना चाहते हो तो उस प्रीव्यू वाले बटन पर एक न्यू टैब में ये ओपन हो जाएगा जिसमें आप इस इमेज का प्रीव्यू देख सकते हो। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं इस पर करता हूँ क्लिक, तो देखिए सिंगल एक ही क्लिक में ये इमेज डाउनलोड हो गया, कितनी अच्छी क्वालिटी है। और अगर ये आप वैसे करते विदाउट एक्सटेंशन करते तो मे बी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है, अब एक्सटेंशन को इसको इंस्टॉल कैसे करना है, आप अपने जो ब्राउज़र है आपका उस पर आप देखिए जो तीन डॉट देख रहे हैं इस पर करेंगे क्लिक और आप यहाँ करेंगे मोर टूल्स। मोर टूल्स में जाने के बाद यहाँ देखिए एक्सटेंशन नाम से एक आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको करना है क्लिक। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए तीन डॉट और हैं मेन मेन्यू, ये मेरा जो देखिए एक्सटेंशन है वो यहाँ इनेबल है, मैं यहाँ से इसको डिसेबल और यहाँ से इनेबल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ और एक्सटेंशन पर क्लिक करते हैं हम, यहाँ आप उसको सर्च कर सकते हो वेब स्टोर, ये आप ओपन क्रोम वेब स्टोर पर क्लिक करना है आपको। तो जब आप वेब स्टोर जो आपका जो जैसे एक तरीके का प्ले स्टोर कोई एप्लीकेशन जहाँ स्टोर होती है इस तरीके का स्टोर है, यहाँ आपको इमेज आई डाउनलोडर इमेज आई डाउनलोडर देखिए आप सेकंड वाला ही है और आप इसको ये मेरे में अपडेट मांग रहा है और यहाँ आप इसको ऑलरेडी ये मेरे में इंस्टॉल है तो आप इसको क्लिक करेंगे, इसको आगे इंस्टॉल लिखा आएगा आप उस पर क्लिक करके ऐसे देखिए रिमूव, ये मेरे पे ऑलरेडी डाउनलोड है तो ये दिखा रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। और अगर ये आप इस पे नए हैं तो यहाँ आपको इंस्टॉल दिखाएगा, आपको जो भी ऑप्शन लिखेगा आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर ये सपोर्ट नहीं करता तो एक बार आप अपने सिस्टम को अपने ब्राउज़र को रीस्टार्ट करें तब ये इस तरीके से ब्लू आपको आइकन दिखाएगा। और इसका सबसे बड़ा जो यूज़ है वो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अमेजॉन, ठीक है, अमेजॉन जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे मैं आपको सेकेंड रिजल्ट दिखाता हूँ ये वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई, हम गूगल पे चलते हैं और उसका दोबारा से हम देखते हैं, आप डाल लीजिए कोई भी कॉफ़ी, ठीक है,
कॉफ़ी की आपने इमेज डाल ली, और देखिए मोर देन इसमें कोई अगर पिंट्रस्ट में ओपन हो रही है इमेज एमेजॉन, ठीक है, यहाँ आपने इस पर क्लिक कर दिया। तो इस वेब पेज में जितने भी इमेजेस होंगे, फॉर एग्जांपल ये कॉफ़ी है, अगर इस पर आप राइट क्लिक करते हैं तो देखिए, अगर ये आपको कॉफ़ी नेस्कैफे की इमेज डाउनलोड करनी है तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप सेव एज करेंगे तो ये पेज पूरा का पूरा पेज सेव हो जाएगा। उसके लिए आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए 329 इमेजेस हैं जो आपको बिल्कुल सारी की सारी ये शो कराएगा। इसने सभी को फाइंड कर लिया है, सभी को सर्च कर लिया है, और ये आपको पूरी एक लिस्ट बना देगा इसमें जो भी छोटी से छोटी इमेजेस। देखिए अब आप इसको इसकी रेजोल्यूशन भी विद उसके साथ इमेज के साथ आप उसकी रेजोल्यूशन देख सकते हैं कि ये इमेज जो है कितनी रेजोल्यूशन में यहाँ अवेलेबल है। सपोज दैट अगर आपको ये वाली इमेज चाहिए, ठीक है, पैनकेक की या फिर कुछ भी नेस्कैफे की, तो देखिए आपको यहाँ ये इमेज मिल जाएगी। यहाँ आप इसको सिंगली एक क्लिक में यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। और ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, और ये है एक्सटेंशन का नाम, आप इस नाम से इमेज आई नाम से इसको सेव सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका जो भी आप काम करती हो उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प होगी इस एक्सटेंशन से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।